केराटिन ट्रीटमेंट सुनते ही हमारे माइंड में आता है स्ट्रेट शाइनी सिल्की हेयर, लेकिन साथ ही लेके आता है थोड़ा सा डर कि जैसे ही उसका इफेक्ट चला जाएगा हमारे बाल कैसे लगने लगेंगे और इतना बड़ा बिल। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है ही नहीं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल वाइब्स ऑफ लाइफ विद मोना। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में और मेरे वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक ईजिली आ जाए। आजकल केराटिन ट्रीटमेंट बहुत ही ट्रेंड में है। आपके बालों का टेक्सचर कैसा भी हो, आप आसानी से केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर्स पा सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक DIY होम केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। इसके डूज एंड डोंट्स भी मैंने बताए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पार्लर से भी अच्छा केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए मिल जाए और आपके भी बाल बहुत ही शाइनी और स्मूथ बन जाएं। हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये सभी के बालों में किसी न किसी वेरिएशन में होता है। लेकिन जैसे ही हमारे बालों से प्रोटीन कम होने लगता है, थोड़ा सा ब्रेकेज, हमारे हेयर्स रफ होने लगते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, ना टच करने में अच्छे लगते हैं, ना कोई हेयर स्टाइल हो पा रही होती है, तो हम जाते हैं पार्लर और कराते हैं एक्सपेंसिव केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और साथ ही जैसे इसका इफेक्ट ख़त्म होने लगता है हमारे बाल वापस से रफ और ड्राई होने लगते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होममेड केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि आप आसानी से घर पे कर भी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे 2 से 4 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलों में जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, फिर क्रीम का एप्लीकेशन एंड देन आयरनिंग। हेयर वॉश और ब्लो ड्राई तक तो ठीक है, लेकिन जो क्रीम का एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही हार्मफुल है। आप मेरी बातों पे बिल्कुल मत विश्वास करिए, आप खुद उसके बारे में पता करिए, रीड करिए, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनिए, उसके बाद ही आप ये ट्रीटमेंट पार्लर में कराएं। लेकिन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होममेड केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं और सेम पार्लर से भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे केराटिन ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके लिए हम लेंगे प्रोटीन। ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट प्रोटीन ही होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं 2 एग, आप 2 अंडे ले लीजिए, दोनों को अच्छे से बीट करिए। इतने अच्छे से आपको अंडे को बीट करना है कि वो एक फोमिंग इफेक्ट देने लगे, थोड़ा फोम सा, क्रीम सा बन जाए, इतना ही बीट करना है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हनी। 1 बड़ा चम्मच हनी ऐड करिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन देने के लिए हमारे बालों में काम आएगा। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कोकोनट ऑयल। 4 से 5 चम्मच कोकोनट ऑयल को ऐड करिए, इस सबको अच्छे से मिक्स करिए। अब हमारी केराटिन क्रीम तो तैयार है, इसे आपको अच्छे से अपने बालों में लगाना है। कैसे लगाना है वो तो आप देख ही रहे होंगे कैसे लगाना है। पतले पतले स्ट्रिंग्स लेकर अच्छे से अपने बालों में लगाइए। पूरे बालों में अच्छे से लगाने के बाद इसे आप 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने दीजिए। जब आपको पैक लगाए हुए 1 घंटा हो जाए, फिर आपको हेयर वॉश करना है। बहुत ही माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करिएगा, लेकिन जब आप हेयर वॉश कर लेंगे थोड़ा ड्राई हो जाएंगे आपके बाल, बहुत ड्राई नहीं, थोड़े से और ड्राई हो जाएं, फिर आपको कॉम्ब करना है अपने बालों में। उसके बाद आप जब ड्राई हो जाएं, फिर इसके रिजल्ट्स देखिए कितने फ्लफी स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल, रफनेस भी बहुत कम लगेगी। आप इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें। इस पैक को ज़रूर लगाइएगा और मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा आपको ये पैक कैसा लगा, इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। जब आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं जानूंगी कि आप यूज़ भी कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, वो भी मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।